नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता, वॉइस टीवी यूपी पर आपका स्वागत है। इस वक्त की खबर फिरोजाबाद के। फिरोजाबाद में अमित शाह ने मन से कहा, मित्रों जहां पर भी नजर आती जाती है मूड ही मूड दिखाई दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण को प्रमाण, जरासंध को पराजित कर भगवान ने किया वही भूमि, जैन हिंदू की भूमि है। शाहिद हेमराज को श्रद्धांजलि दी और क्या कहा मन से, सुनिए। एक और मौका दे दीजिए, 5 साल तक उत्तर प्रदेश के किसी भी किसान को बिजली का बिल नहीं भरना है। हम बिजली माँ। हर बच्ची जो 12वीं पास करेगी उसको स्कूटी देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। हर युवा जो इंटर में एडमिशन लेगा, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, उसको लैपटॉप और स्मार्टफोन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मित्रों आप मुझे बताओ, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद, यहाँ पर कोई माफिया बाहुबली है क्या? जरा जोर से बोलो, है क्या? है क्या? सारे के सारे जेल में डालने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने करा है। उत्तर प्रदेश में एक भी बाहुबली नहीं है, कोई है तो बजरंग बली है, इसके अलावे कोई। मित्रों भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को देश की दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाया है। मैं आपको कहने आया हूं, फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी को मौका दीजिए, 2 नंबर से देश के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का काम हम उत्तर प्रदेश को करेंगे। माताओं भाइयों बहनों, मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। 10 साल तक ये सपा बसपा के समर्थन से उत्तर प्रदेश में 2 पार्टियां हैं, दोनों पार्टियों ने समर्थन देकर 10 साल तक कांग्रेस की सरकार चलाई। और कांग्रेस की सरकार चलती थी तब आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया भारत में घुस जाते थे। मित्रों भारत में घुस जाते और हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते। कांग्रेस वाले कुछ नहीं करते थे क्योंकि उनकी वोट बैंक बर्बाद होती थी। जिन्हें हमेशा के लिए कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने का काम किया। माताओं भाइयों बहनों, मुझे बताओ ये कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है या नहीं है? जरा जोर से बताओ, पीछे तक है या नहीं है? धारा 370, 70 साल से कांग्रेस अपने बच्चे की तरह गोदी में लेकर घूमती थी। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को उखाड़ कर फेंक दिया और कश्मीर, ये हमारा कश्मीर हमेशा के लिए भारत का हो गया। जब धारा 370 पर चर्चा होती थी पार्लियामेंट में, अखिलेश जी क्या कहते थे कि गृह मंत्री जी धारा 370 हटाई तो खून की नदियां बह जाए। अरे अखिलेश बाबू, आप किसको डरा रहे हो भाई? हमें डरा रहे हो? लो एक चली गई धारा 370, खून की नदियां छोड़िए, कंकर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई है।
माताओं, भाइयों, बहनों, कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए शासन करती है। सपा बसपा अपनी अपनी जातियों के लिए शासन करते हैं। सपा आती थी, एक जाति का भला होता था, बसपा आती थी, दूसरी जाति का भला होता था, भाजपा आई, मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास का नारा लगाया और सबको आगे बढ़ाने का नारा ना। कहने को ही समाजवादी पार्टी, एसपी के दो सूत्र है, एस से संपत्ति इकट्ठा करना, पी से परिवार वालों को सत्ता देना। मित्रों, समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब अखिलेश के परिवार से 45 लोग अलग अलग जगह स्थान पर थे। कितने थे, जोर से बोलो, कितने थे? और कोई जाति छोड़ो, और कोई परिवार का भी स्थान नहीं था। और संपत्ति मित्रों, भ्रष्टाचार इतना करा, अभी कानपुर में रेड पड़ी, समाजवादी इत्र वाले के वहां रेड के बाद ये पूरा स्टेज भर जाए ना, इतनी नोटों की गड्डियां मिली, इतनी नोटों की गड्डियां मिली। और जैसे ही रोड पड़ी, रेड पड़ी, अखिलेश जी के पेट में मचलन, उन्होंने कहा, क्यों रेड डाल रहे हो, हम कैसे चुनाव लड़ेंगे? क्यों अखिलेश बाबू, ये रुपया आपका था क्या? भाइयों बहनों, युवाओं, मुझे बताओ, टैक्स भरे बगैर का जो गैर कानूनी रुपया है, उसको मोदी जी ने कब्जे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? इसके गरीबों का कल्याण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? माताओं को गैस का सिलेंडर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? बहनों माताओं के लिए टॉयलेट बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? गरीबों को अनाज देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? ये अखिलेश बाबू का मंत्र है, संपत्ति इकट्ठा करो और विदेश में वैकेशन करो। भारतीय जनता पार्टी का मंत्र है, टैक्स इकट्ठा करो और गरीब कल्याण के काम करो, गरीबों के काम।